महीना हिंदू धर्म में त्योहारों और ज्योतिष के लिहाज से काफी खास है। इस महीने में गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। खासकर धर्म नगरी काशी में मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान के बाद दान से भक्तों के कष्ट कट जाते हैं। इस वर्ष गंगा दशहरा के समय 20 से 24 जून के बीच चार ग्रहों का स्थान परिवर्तन भी होना है। इस दौरान गुरु, शुक्र, सूर्य और बुध की चाल बदलेगी, जिसका असर लोगों के जीवन पर पड़ेगा। 20 जून को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो 21 जून को सूर्य बिल्कुल पृथ्वी की स्थिति में रहेंगे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा पर ग्रह गोचरों का भी बेहद शुभ संयोग बना है। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन स्वर्ग से माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी पर गंगा दशहरा महापुण्य पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगीरथी के पूर्वजों की शापित आत्माओं को शुद्ध करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी माँ गंगा, और गंगा दशहरा पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन को चयनित होने के लिए मनाया जाता है। पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व गंगा ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान थी, इसलिए उसके पास स्वर्ग की पवित्रता है। पृथ्वी पर गंगा देवी राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए धरती पर आईं। गंगा तब से लेकर आज तक पृथ्वी वासियों को मुख्य शांति और आनंद प्रदान कर रही हैं। गंगा दशहरा भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी में एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। 84 घाटों पर लोगों का सुबह से ही स्नान करने का तांता लगा रहता है। गंगा स्नान के लिए लोग अपने घरों से रात से ही निकल लेते हैं। गंगा स्नान के लिए बात की जाए काशी की, तो काशी गंगा नदी और पर्यटक के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। गंगा दशहरा पर श्रद्धालु आस्था में इतने लीन हैं कि स्नान करने में कोरोना की भी गाइडलाइन भूल गए हैं। श्रद्धालुओं में यह उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी लगातार गंगा के 84 घाटों पर मुस्तैद है। लोगों को कोरोना की गाइडलाइन कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सोनाली पटवा की रिपोर्ट। पंडित जी विजय कुमार पांडे गंगा घाट के पुरोहित, और आज हाँ आगे बोलो। आज किस तरह का नहान है? आज गंगा स्नान है, आज गंगा दशहरा है। आज गंगा दशहरा, इसका मतलब माँ गंगा का आशीर्वाद होता है कि बाल बच्चे परिवार का सदा सौभाग्यवती रहे, खूब उनकी मनोकामना पूर्ण होता है और गंगा मैया की कृपा बनता रहता है, पूरे परिवार का कल्याण करती हैं। प्रशासन की किस तरह का व्यवस्था है? प्रशासन ने अपना भाई बेचारे, उनका भी क्या क्या किया कहा जाए, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हमारे पुरोहित को तकलीफ हो, लेकिन भाई उनको आदेश दिया गया तो भाई आदेश का मतलब कि हम भी आदेश का पालन कर रहे हैं। और गंगा मैया कृपा है, हमारे प्रशासन में कोई कमियां नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री हमारे आदित्यनाथ योगी जी का बहुत सहयोग है। अब चूंकि भाई ड्यूटी बाई ड्यूटी मैं उनके साथ हूँ, और प्रशासन का हम लोग के विनतपत बहुत अच्छा है। गॉड न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।